हम आजकल देखते हैं बहुत कम उम्र के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, और ख़ासतौर पर बहुत कम एज में, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है, टीवी इतना ज़्यादा है। किस तरह से डील करते हैं? पहले तो ट्रीटमेंट से पहले ही आता है कि ये होता क्यों है जी। हाँ, जैसे मैडम अभी बता रही थी कि टैब उन्होंने शुरू किया, तो स्कूल्स में भी जैसे डिजिटल्स यूज़ होते हैं, बच्चे कई बार आते हैं कि होमवर्क भी मोबाइल पे होता है सब कुछ, तो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का, तो एक तो रीज़न वो है। और एक प्रेडिक्शन है कि 2050 तक वर्ल्ड में 5 बिलियन पीपल मायोपिया से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब आधी पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी। और सबसे आश्चर्य की बात है, अभी हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था, तो मायोपिया क्या होता है ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता, और बच्चों का नंबर क्यों आता है ये भी पता नहीं। एक तो पेरेंट्स में अवेयरनेस की कमी भी है, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, और आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम है, तो बच्चों को चश्मे का नंबर नहीं लगे उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रीन टाइम कम से कम हो, और आउटडोर एक्टिविटी एटलीस्ट 1.5 hours to 2 hours डेली बच्चों की होनी चाहिए। जैसे स्कूल्स में चाइना का मैंने अभी कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो वो लोग स्कूल्स के अंदर भी दीवारों में से, क्योंकि सन एक्सपोजर ज़रूरी है, तो एक वॉल क्लासरूम की ग्लास की बनवा रहे हों जी। तो उनके जो प्रोग्राम है मायोपिया प्रिवेंशन प्रोग्राम कहते हैं उसको, तो उन्होंने इसमें कंपलसरी कर दिया, या तो छत तो ग्लास की हो नहीं सकती, तो एक दीवार जिसमें से 1000 लक्स की लाइट कम से कम उस इंटेंसिटी की बच्चों को मिल सके जी। सर, डॉक्टर गुलाम अली सर, अगर हम यहाँ पर देखें रूटीन चेकअप की बात की जाए, क्योंकि नॉर्मली लोग अक्सर अगर किसी की आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लोग नहीं जाते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली रूटीन चेकअप्स कराना चाहिए अगर आई ट्रीटमेंट की बात हो रही है? जैसे आई ट्रीटमेंट की बात करें तो रूटीन चेकअप जब बच्चा पैदा होता है तब से बात करते हैं, तो एक बार बच्चा पैदा होते ही एक चेकअप हो जाना चाहिए। अच्छा, इतनी कम एज में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो शायद लोगों को नहीं पता, नहीं पता, काफी लोगों को नहीं पता, और अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग सोचते भी नहीं है। अभी जैसे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मतलब रोजाना के 8-10 पेशेंट ऐसे आते हैं कि सब रूटीन चेकअप के लिए आए, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत लापरवाही होती है बच्चों में कि बच्चा है समझता नहीं है इसकी आंखों में क्या होगा, तो कहीं जैसे कंजेनिटल डिजीजेज होती हैं, तो एक बार आपको बच्चा पैदा होते ही एक आई चेकअप हो जाना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट ईयर में, देन जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, प्री स्कूल जब होता है, तो उसके बाद फिर उसके बाद 2 साल में एक बार चेक करवाना चाहिए जी। और 40 की एज के बाद में सबको साल में एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए। सर, यहाँ से अगर चेकअप की बात हो रही है, कई बार हम ऐसे क्लिनिक्स में जाते हैं खासतौर पर, या किसी जहाँ पे आई वेयर्स मिलते हैं वहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही चेकअप कर देते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना भी कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा रहे हैं या फिर वो नॉर्मली मशीन से जो लोग चेकअप्स करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली जैसे ऑप्टिकल्स में जाते हैं या ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, तो उनका वो केवल विजन चेक करते हैं आपका, आपको कितना दिख रहा है, लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी है जो फ्यूचर में जाके बढ़ सकती है ना, तो वो चेक वो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं होता है, और उनका पहला मकसद ये होता है कि आपको ग्लासेस सेल करना होता है। तो एक प्रॉपर चेकअप तो आपका हॉस्पिटल में ही हो सकता है, जो आई स्पेशलिस्ट है, वेल ट्रेंड क्वालिफाइड, वही चेक कर सकता है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जैसे काला पानी है, जो आपको नहीं पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए साल में एक बार, क्योंकि डायबिटीज़ का असर एक बार पर्दे पे आ गया या आँख में आ गया तो वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, आपकी रोशनी भी जा सकती है, तो ऐसी कुछ बीमारियों में आपको रूटीन चेकअप करवा के उस बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी जी, मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर गुलाम अली कामदार, हु इज़ अ डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल एक्सीलेंस इन आई ट्रीटमेंट। एक बार ज़ोरदार तालियां।